हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जयंत पाटिल हार गए, क्योंकि कुछ कांग्रेस विधायकों ने मायावती उम्मीदवारों को वोट दिया था। मायावती के सभी 5 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं, जिस पर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने उन गद्दार विधायकों का पता लगा लिया है जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, और हमने इस संबंध में दिल्ली में अपनी पार्टी के नेताओं को एक रिपोर्ट भेजी है। जल्द ही इन गद्दारों पर कार्रवाई होगी। देखिये, विधान परिषद के चुनाव में जो रिजल्ट आए है, एक तो क्लियर था कि संख्या बल अगर देखते हैं तो वैसा तीसरे सीट के लिए मुकाबला होना तय था। हमारे पास में हमें 23 का कोटा पकड़े तो 69 की जरूरत थी, हमारे पास में तो 64 ही थे, 65 थे। और अलायंस जो हमारे हमारे कुछ छोटा छोटा पार्टी है उसके साथ में बातचीत हमने की थी और उनको भी साथ में लेकर चुनाव को सामने जाना था, पर हो गया। ठीक है, हमारे पास में वैसे भी 2 ही कैंडिडेट का कोटा होने के बाद भी हमने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया और हमने कोशिश की और रिजल्ट जो था वही आना था। वैसे भी अनफोर्स करते तो 2 ही हमारे हिस्से में आते थे, हमने तीसरा इसीलिए डाला क्योंकि हमें कुछ लोगों पे डाउट था कि हमेशा हमारे पार्टी के सिंबल पे चुन के आने के बाद वो जरा गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने किया था, हमने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया ना हमने ये इलेक्शन को लास्ट टाइम विश्वास रखा था, तो वो तभी भी हमारे साथ में थोड़ा पार्टी के साथ विश्वासघात हुआ था। पर आज पूरे हमने एक सिस्टम बनाई थी और वो सिस्टम में कुछ लोग हमें आइडेंटिफाई हुए और वो 100% हुए, तो उनके बारे में कार्रवाई के लिए हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने नाना पटोले जी ने हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है। हमारे स्टेट के कोर कमेटी में यह निर्णय हुआ और ऐसे गद्दारों को जो पार्टी में रहकर भी छेद करते हैं, जो कचरा है उसको साफ करने की जरूरत है। जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, पार्लियामेंट में ये देखा गया है, पर कुछ गद्दार चंद फायदे के लिए ये कदम उठाते हैं, वो पार्टी से लॉयलिस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। ऐसे गद्दारों को कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक सबकी एक साथ में एक राय है। पार्टी के खिलाफ जाने वालों के बारे में पूछे जाने पर वडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। नांदेड़ के 2 विधायक अशोक चव्हाण के साथ थे और उन्हें वेब फेक कर भी वोटिंग में धोखाधड़ी की है। विधायक सुरभा खोड़के भी पार्टी के खिलाफ वोट किया है, पार्टी के गद्दार मिल गए हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि जल्द ही पता चल जाएगा कि हाईकमान अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जिशान के पिताजी पहले ही जा चुके हैं अजीत दादा के साथ, बाबा सिद्दीकी ये तो सबको पता है ना। नांदेड़ के लोग भी अशोक चव्हाण के साथ में 2 लोग पहले से थे, अब पार्टी करके और हमारा व्हिप भी लिया क्योंकि कार्रवाई टालने के लिए, पर वोटिंग में उन्होंने भी गद्दारी की। वो हमारे खोजकर भी जो थे वो भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी हमारा वाच था। अब हमारे खोड़के भी थे, ये सुलभा था, उन्होंने भी उनके मिस्टर अजीत दादा के साथ में ही घूमते, उनके ऊपर भी हमारा चाहिए उतना विश्वास नहीं। तो ये तो हमने तय किया था कि ये 4-5 लोग 6 लोग हमारे लिस्ट में डाउटफुल ही थे और वो निश्चित रूप से अभी हमने चेक किया तो कुछ लोग छपते हैं उसमें, मैं अभी नाम नहीं लूंगा। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।